ये पिछली मीटिंग में आई नहीं, आपके साइन दिखाना, इनके साइन नहीं है, आपके साइन नहीं है पिछली मीटिंग में, नहीं थे आप, आपके बदल लगी नहीं है, आपका चोट लगी नहीं है। नगर परिषद की हाउस की बैठक में कई पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, साथ ही शहर के विकास के लिए रखे गए अधिकतर एजेंडे सर्वसम्मति से पास कर दिए। बैठक में कांग्रेस व भाजपा समर्थक पार्षदों ने एजेंडों को सर्वसम्मति से पास कर दिया। इनमें कई संस्थाओं को जगह देने के साथ साथ शहर की अवैध कॉलोनियों के लिए जल्द से जल्द सर्वे करके रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने, पार्षदों की मांग पर 15-15 लाख के टेंडरों के लिए उनकी बिना अनुमति के बिल न देने बारे, रनिंग बिल पर रोक लगाए जाने सहित अनेकों मुद्दे पारित हुए। देखिए क्या रहा नगर परिषद हाउस की बैठक में। हाउस की मीटिंग में आज 8 एजेंडे रखे गए थे, मैं आपको जो एजेंडा काफ़ी है वो उपलब्ध करा देता हूँ। और सभी एजेंडों पे इक्का दुक्का पार्षद को छोड़ के बहुमत से या सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जिसमें सबसे मुख्य मामले थे कि अनप्रूव्ड कॉलोनियाँ, गौशाला को मॉडल टाउन से बाहर दूसरी जगह शिफ्ट करने बारे, ये दो मुद्दे ज़्यादा अहम थे। और इन दोनों मुद्दों पे सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से या बहुमत से ही निर्णय लिया है और ये 8 के 8 जो हमारे मुद्दे थे वो पास है। सर बसों को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है, क्या वहाँ पर नई गौशाला बनाई जाएगी? उस जो कमेटी की, नंदीशाला की जो कमेटी है, उनसे पहले बात हो चुकी है हमारे प्रधान जी की, सदस्यों की। कमेटी ने ये जताया है, संतोष जताया है कि यदि हम यहाँ से इसको बाहर ले जाते हैं और कमेटी हमें सहयोग करती है, हम ही इसको चलाएंगे। वो जो मलकियत है कमेटी की ही रहेगी, उसमें कोई अदला बदली नहीं होगी। और शहर की जो बहुत कमर्शियल और प्राइम लैंड है वो खाली होगी, लोगों के फायदे के लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। संबंधित जो गौशाला कमेटी है उन्होंने इस बात की हाँ की है कि जितने पशु शहर में घूम रहे हैं गौशाला के अलावा, वो भी हम सारे के सारे उनको रखेंगे और उनकी संभाल हम करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हम ये मान के चलते हैं अगले आने वाले 1 साल तक हम इसको सीधा चलाएंगे। कितनी 49 हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ की जो लिस्ट थी मुख्यालय से प्राप्त हुई थी, उसमें से 22 का हम केस भेज चुके हैं, बाकी का अभी भेजना है, उनका सर्वे चल रहा है। कुछ उसमें तकनीकी कमियां थी, दूसरा मुख्यालय से जो लेटर आया है, जिस तरह से 6 फुट की सड़क हो, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा ना हो, इस तरह की सारी उनको देखते हुए अभी सर्वे बाकी है, वो सर्वे चल रहा है, सर्वे पूरा होने के तुरंत बाद हम उनको हेड ऑफिस को भेज देंगे। देखिए हाउस की मीटिंग, पहली बात तो हमारे हाउस की मीटिंग लाइव चलती है, तो सारे शहरवासियों ने मुझे लगता है बड़े गंभीर जो विषय थे वो देखे हैं, और 31 पार्षदों ने चेयरपर्सन की अध्यक्षता में बड़े गंभीर जो शहर के विकास कार्य के लिए जो मुद्दे थे वो सारे के सारे इसके अंदर सर्वसम्मति से पास किए। हमारे बच्चों को लेकर पिछले दिनों आपने एक बात मांग भी दी, धरना भी दिया गया था, उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारा बेसहारा पशुओं के लिए हम पहले दिन से गंभीर हैं और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। और अभी उसके अंदर एक डेवलपमेंट जो हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल टाउन के अंदर एक कृष्ण गौशाला है और वो गौशाला नगर परिषद की ज़मीन पर है, और उनसे हमारा एक समन्वय के तौर पर एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम उनको एक नंदी गौशाला के पास में एक ज़मीन देंगे,
और ताकि वहाँ पर वो बेसहारा पशुओं की वहाँ पर अपना सेवा कर सके, उसको वहाँ पर स्थानांतरित करके और वहाँ पर नगर परिषद जो भी वहाँ सेवाएं दे सकता वो देगा और जो शहर के जितने भी बेसहारा पशु हैं जितने भी संख्या में वो वहाँ पर उसमें वहाँ डाले जाएंगे। ऐसा जी जब अगर जिस वार्ड के अंदर अगर कुछ भी कोई ऐसा एरिया पड़ता है तो निश्चित तौर पर जो भी कोई जेई या एक्शन साहब जो उस वार्ड के अंदर जाएंगे तो एमसी साहब की कंसल्टेंसी के बाद ही वो काम होगा। कई वार्ड ऐसे थे जिसमें 15-15 लाख के जो काम है उसके अंदर पूर्ण रूप से स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, ऐसे में एमसीओ को जो है वार्डवासियों को सुननी पड़ती है तो उसको लेकर एक्शन भी लिया गया, क्या कुछ लेगा उसके काम करने? देखिए मैं क्लियर तौर पे ये दोबारा कहना चाहता हूँ, जो ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को ख़राब करने के लिए अगर टेंडर लेने की मंशा से टेंडर लेते हैं या कुछ माइनस में टेंडर लेते हैं काम को रोड़ा अटकाने की मंशा से, वो मंशा में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम क्लियर स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब हमने अपने ऑफिसर्स को ईओ साहब को एक्शन साहब को निर्देश दे दिए हैं कि उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनकी EMD जब्त की जाए, कोई भी इस टाइप से कोई काम ना कर पाए। जमीन मांग रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट एक को वन स्टॉप सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे जिसका कोई झगड़ा है परिवार से कोई बेटी और चली गई बाद में उसको समझाने के लिए 2-3 दिन रखते हैं वहाँ वकील आते हैं समझाने वाले हैं उसके बाद वन स्टॉप सेंटर ये वन स्टॉप सेंटर एक अलग चीज है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डॉक्टर्स भी होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, पुलिस के का स्टाफ भी डेप्यूट होता है, इसके अंदर सोशल वेलफेयर से भी होता है, तो उनको एक जगह चाहिए होती है कि भी एक ही प्लेस पर सारी की सारी फैसिलिटीज उनको मिल पाए महिलाओं को। तो इस करके उन्होंने हमारे से जमीन मांगी है और वो जमीन उन्होंने ये कहा है कि जी जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसके 2 किलोमीटर के दायरे में हमें प्रोवाइड पीछे 15-15 लाख के काम थे वो तो हुए ना हुए बराबर के दल उन्हें 5-4 लाख से कोई एमसी शुरू की है। चलो 2-4 वार्ड में ज्यादा काम होगा, अच्छी बात है, उनको ज्यादा जिस वार्ड में जुड़ता है होने भी चाहिए, हम इस बात का कभी जरूरत नहीं है। मैं हाउस की तरफ से ही रिक्वेस्ट डालू 25-25 लाख का 33 के 33 वार्ड का अलग से टेंडर सबका डाल दिया जाए और ताकि ये अपने तरीके से काम रहे और ना किसी का जो ये बिल बीच से पास हो सारे सारे मर्जी से एमसी कराए मैडम एक बात बोला बहुत प्रेशर अगर आप स्पेसिफिक काम दोगे तो आप बेटर तरीके से काम करा पाओगे क्योंकि अब ना रिवीजन होता एस्टीमेट का ना कोई आइटम डलती ना कोई आइटम कटती
आप हमें पहले काम दिखा दें कि भाई ये काम कराना है, हम उस काम का ही एस्टिमेट बनाएंगे, अदरवाइज वो एस्टिमेट बनाने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। आप स्पेसिफिक हमें काम बता दें कि हम उस काम का चाहे 25 का बने चाहे 50 का बने, हम उसका एस्टिमेट बनाने के लिए बिल्कुल तीसरा जो मामला है वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एक बिल्डिंग पड़ी है हमारी डोगरा गेट पे, जहां कभी किसी 2010 के आसपास फायर ब्रिगेड का होता था। उस जमीन को रेड क्रॉस लेना चाह रही है, उस बिल्डिंग को फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग स्कूल, वो एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए। खुद रेड क्रॉस ने ही प्रपोजल भेजा है कि आप हमें ये वाली देखने इसके अलावा और कोई लैंड नहीं बताई उन्होंने, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी इसके अलावा 29 काम ऐसे और हैं जिनके हमने टेंडर इनवाइट कर लिए, चर्चा का विषय हो वो ऑलरेडी हाउस में पास थे, कुछ काम डी प्लान के हैं, कुछ ऑलरेडी हाउस में पास थे, वो चर्चा होने के बाद ही पास हुए होंगे, उनके हमने टेंडर इनवाइट कर लिए, हम टेंडर लगा चुके हैं, ये आपके ये है ना, अब क्या जब पास होगा तो क्या करेंगे हम पास हाउस